आज मैं आपको भारत के प्राकृतिक भाग के विभाजन के विषय में बताऊंगा, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अगर प्राकृतिक दृष्टिकोण से भारत को देखें तो भारत के उत्तर में गगन चूमते हिमालय पर्वत, दक्षिण में कठोर पठार, मध्यवर्ती भाग में मैदानी क्षेत्र और चारों तरफ तटीय क्षेत्र में अगर देखेंगे तो कोस्टल प्लेन। इस प्रकार से भारत को अगर हम लोग प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो मोटे तौर पर पांच भागों में विभाजित करते हैं। नंबर वन, नोट डाउन कर लें, नॉर्दर्न माउंटेन सिस्टम और रीजन ऑफ इंडिया, इस या फिर हिमालय पर्वत, इसको श्रेणी इसको कहते हैं। नंबर टू, द सेंट्रल प्लेन, मध्यवर्ती मैदान, इसको गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज प्लेन भी कहते हैं। नंबर थ्री, डक्कन प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर फोर, द कोस्टल प्लेन, और पांचवा, द थार डेजर्ट। आप देखेंगे कि भारत को हमने जो है पांच प्राकृतिक भागों में विभाजन किया है, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, द सेंट्रल प्लेन, डक्कन प्लेटो, द कोस्टल प्लेन, द थार डेजर्ट। ये भारत के मुख्य रूप से पांच प्राकृतिक भाग हैं। अब इसका मैं मैप आपको दे रहा हूं। स्टार्ट। अभी हम आपको, जैसा कि हमने कहा कि भारत को पांच प्राकृतिक भाग में विभाजन करते हैं, उसमें अभी पहला नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, जिसे हिमालय पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, आप देखोगे कि ये उत्तर में, ये उत्तर भारत में चापनुमा आपनुमा आकृति में, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर के पूरब में म्यांमार तक लगभग 24 भारत में लगभग 2400 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये आपनुमा आकृति है और इसकी पूरी लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कहीं पर ये 150 किलोमीटर है और कहीं पर ये 400 किलोमीटर तक ये चौड़ा है, ये उत्तर भारत में। और इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनचंगा, धौलागिरी इत्यादि जो है ना, ऊंचे ऊंचे पर्वत, और तिब्बत का पठार जो दुनिया का ऊंचा पठार, ये सारे जो है इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और तिब्बत को पठार को ये पूरे इसको जो है पामीर गांठ के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाकर के, अब हम इसका जो है भारत का जो माउंटेन सिस्टम है, माउंटेन सिस्टम को हम लोग जो है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन हम अब जो है इसका वर्णन करने जा रहे हैं। अब हम जो है भारत का ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, भारत का भौगोलिक हिमालय पहाड़ का भौगोलिक वर्गीकरण
इस दृष्टिकोण से जब हम लोग हिमालय पहाड़ का जो है वर्गीकरण या इसको विभाजन करेंगे तो सबसे पहला जो है इसमें द ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। नंबर टू लेसर हिमालय, नंबर थ्री शिवालिक हिमालय, नंबर चार तिब्बत हिमालय, तिब्बत हिमालय। द ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय और तिब्बत हिमालय। इसको हम चाहेंगे तो मानचित्र से भी दिखा सकते हैं, जैसा कि मैं मानचित्र बना रहा हूं। ये देखिए, ये है, दिस इज ग्रेटर हिमालय एंड नाउ दिस इज लेसर हिमालय, दिस इज शिवालिक हिमालय एंड नाउ दिस इज तिब्बत प्लेटो। ये जो है ग्रेटर हिमालय, इसे शिवालिक हिमालय, सॉरी ये लेसर हिमालय, सेकेंड लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय और ये तिब्बत हिमालय। ये जो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइट है, याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। अब इसका हर एक का मैं डिटेल से यहां पर आपको बताना चाहूंगा, इसको चाहें तो आप इसको शेडिंग के द्वारा भी आप इसको और विजिबल कर सकते हैं। अब नंबर वन आप लिखें द ग्रेटर हिमालय, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आप लोग जान लें। आप ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, तो ग्रेटर हिमालय के बारे में आप जान लीजिए कि ये जो है इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है और इसका एवरेज हाइट 6000 मीटर है, लेकिन दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत इसी ग्रेटर हिमालय में पाए जाते हैं। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, जैसे इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी में सबसे पहला जो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है पर्वत है नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। इसी तरह से गोसाई स्थान 8013 मीटर है, कंचनचंगा 8598 मीटर है, मकालू 8770 मीटर है, इसी तरह से मंसालू 8156, धौलागिरी 8167। आप देख रहे हैं कि जितने भी माउंटेन हैं यहाँ पर दुनिया के, वो 8000 से ऊंचे पर्वत श्रेणी ये इसी रेंज में पाए जाते हैं। ये ग्रेटर हिमालय की जो है ये सबसे बड़ी विशेषता है। नंबर टू लेसर हिमालय। अब इस हिमालय के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये बता दे रहे हैं कि ये जो है इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। ये लेसर हिमालय 80 से 100 किलोमीटर के बीच में चौड़ा है और इसकी एवरेज ऊंचाई जो है, जो विद्वानों ने माना है, वो 1800 से मीटर से 3000 मीटर के बीच में और कहीं कहीं पर 4000 मीटर भी जो है बताया है भूगर्भ शास्त्रियों ने। लेकिन इस क्षेत्र की जो मैक्सिमम ऊंचाई है वो 4500, यानी पहला वाला जो है हमने कहा कि ये 6000 मीटर है, दूसरा जो है 3000 मीटर है और
3000 मीटर में ये जो मैक्सिमम जो 4500 मीटर जो है लेसर हिमालय की ऊंचाई है। इस क्षेत्र की जो इम्पोर्टेंट जो माउंटेन्स हैं उसका नाम धौलागिरी, पीर पंजाल, उसी तरह से चिरैया, मसूरी इत्यादि। हिमालय पर्वत का जो तीसरा ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय इसको हम लोग फुट हिल हिमालय भी कहते हैं, फुट हिल हिमालय भी कहते हैं शिवालिक हिमालय को। ये जो है 40 से 50 किलोमीटर चौड़ा है शिवालिक हिमालय और ये 200 मीटर लंबी है। इसका एवरेज हाइट जो है ये 1200 मीटर माना गया है। कितना माना गया? 1200 मीटर्स। इस क्षेत्र में जो इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है वो है देहरादून, हरिद्वार इत्यादि। एक बात आप जान ले इस क्षेत्र के बारे में कि ये क्षेत्र में बहुत सारे जो है वैलीज पाए जाते हैं, घाटी देखने को मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट घाटीज आपको जो है यहीं पर मिलेगा और साथ साथ शिवालिक रेंज में ही आपको जो है मैदानी क्षेत्र मिलेगा टूरिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि देहरादून और मैसूरी जो है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है जो ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो ये शिवालिक की रेंज में मिलता है। और तीसरा जो है वो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो तिब्बत प्लेटो। तिब्बत प्लेटो, तिब्बत प्लेटो के बारे में आप एक बात अच्छे से जान लें कि ये इसकी ऊंचाई 5000 मीटर है, 5000 मीटर, लेकिन इसका ऊपरी सिरा जो है वो सपाट है इसलिए इसको पर्वत नहीं कहते हैं। और ये पूरा रेंज जो है तिब्बत रेंज जो है ये पूरा पठारी इलाका है, पूरा ऊपर में सपाट प्लेटो है। इस प्रकार से हमने बहुत ही शॉर्ट में भारत को के हिमालय के भौगोलिक दृष्टिकोण से जो विभाजन किया है, द ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, तिब्बत हिमालय, आपके बारे में विस्तार से। अब बच्चों आप देखो मैं आपको हिमालय पर्वत का रीजनल क्लासिफिकेशन मैं बता रहा हूं, प्रादेशिक विभाजन, यानी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब रीजन वाइज हिमालय पर्वत का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, उसका मैं वर्णन कर रहा हूं। आप देखो पहला जो है वह है पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा आसाम हिमालय। ये क्लासिफिकेशन आप इस नक्शे से भी आप देख सकते हो। देखो अभी हम और क्लियर करके बता देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आप देखो यहां पर ये पूरा पहला जो है ना पंजाब एरिया है, तो पंजाब हिमालय, कुमाऊं का जो क्षेत्र है तो उसको कुमाऊं हिमालय, नेपाल के क्षेत्र से जो गुजरता है तो उसको नेपाल हिमालय, और आसाम के क्षेत्र में जब ये आता है तो इसको हम लोग आसाम हिमालय के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिटेल बता रहा हूं पंजाब हिमालय, ये पंजाब हिमालय के बारे में आप अच्छे से समझ। अब मैं आपका रीजनल क्लासिफिकेशन के विषय में बता रहा हूं कि सबसे पहला जो है पंजाब हिमालय। ये पंजाब हिमालय के विस्तार ये सिंधु नदी से लगकर सतलज नदी तक 5560 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। सिंधु नदी से सतलज नदी तक 560 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर है, 45,000 वर्ग किलोमीटर पंजाब हिमालय का फैला हुआ है। और हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई जो है इसी भाग में देखने को मिलती है। और पंजाब हिमालय की मुख्य चोटियां टाटा कुटी, पीर पंजाल, छोटा गली, चोर गली, जमीर, गुलाब घर इत्यादि है। दूसरा जो है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय का विस्तार के बारे में आपको बता दे रहे हैं कि इसका विस्तार सतलज नदी से काली नदी तक 320 किलोमीटर में है। सतलज नदी से
काली नदी तक 320 किलोमीटर में है लंबाई में, और इसका जो क्षेत्रफल 38,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में ये पाया जाता है। साथ ही साथ इस क्षेत्र की जो इम्पोर्टेंट चोटियां हैं, पीक्स है हिमालय पर्वत का, उसमें बद्रीनाथ 7,040 किलोमीटर, केदारनाथ 6,831 किलोमीटर, त्रिशूल 6,707 किलोमीटर, माना 7,158 किलोमीटर, गंगोत्री 6,508 किलोमीटर, नंदा देवी 6,527 किलोमीटर और शिवलिंग इत्यादि है। साथ ही साथ भागीरथी, यमुना दोनों इंपॉर्टेंट नदियों का उद्गम स्थल भी यहीं से है। एक बात और जान लें कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री ये तीन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी जो है यही कुमाऊं हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब हम लोग आ जाएं नेपाल हिमालय के बारे में। नेपाल हिमालय ये 800 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है, जो काली नदी से तिस्ता नदी तक, काली नदी से तिस्ता नदी तक फैला हुआ है। और इस हिमालय में जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं वो है दार्जिलिंग टूरिस्ट प्लेस, आप जानते होंगे, भूटान का हिमालय और धौलागिरी, अनुपूर्णा, गोसाई स्थान, कंचनचंगा, मकालू और एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, ये जो है नेपाल हिमालय में देखने को मिलता है। रीजनल क्लासिफिकेशन चौथा जो है प्रादेशिक वर्गीकरण में हम लोग हमने जो है ना आसाम हिमालय का किया, ये देखिए इसी तरह से ये हम आसाम का जो क्षेत्र आ रहा आसाम हिमालय, तो आसाम हिमालय में मुख्य रूप इस ब्रह्मपुत्र, इसका जो तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर में फैला हुआ है, लंबाई में फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल है 67,500 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में ये आसाम हिमालय फैला हुआ है, यानी बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट मुख्य चोटियां हैं वो है चुमल हरी, काबरू, जंगा संगाल, पहोनी, कुला कंगाड़ी इत्यादि, ये इम्पोर्टेंट, यानी अभी हमने जो है रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय के बारे में अभी हमने जो है आपका विस्तार से विवरण किया। अब मैं आपको हिमालय पहाड़ के सिग्निफिकेंस के बारे में बता रहा हूँ, इसके महत्व के बारे में कि हिमालय पहाड़ पर्वत जो है भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्व है इसके बारे में। नम आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। नंबर वन, साइबेरिया और रूस के जानिब से आने वाली सर्द बर्फीली हवा को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। अब देखो कितना इम्पोर्टेंट है, यानी साइबेरिया के तरफ से, रूस के तरफ से या फिर उत्तरी गोलार्ध की तरफ से जो ठंडी हवा आती है उसको जो है ये रोकने का काम करता है, भारत को इससे महफूज रखता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ये है कि भारत में जो मानसून ब्रेक होता है, यानी साउथ ईस्ट मानसून जो पूरे भारत में जिसके द्वारा वर्षा होती है, उसमें हिमालय पर्वत का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। यानी एक दूसरे तरह से अगर कहें कि हिमालय पर्वत का अस्तित्व नहीं होता तो हमारे भारत में वर्षा का भी जो है स्थिति चरमरा जाती, यानी भारत का इकोनॉमी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता देखने को मिलता। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो, हिमालय पहाड़ का जो पर्वत का जो मुख्य इम्पोर्टेंट है, आप देखोगे कि सालों भर भारत में के गंगा नदी में जो है आपको पानी मिलता है, जिससे एग्रीकल्चर वगैरह हम लोग इरिगेशन का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का भी काम करते हैं, तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट ये वजह यह है कि हिमालय पहाड़ से बहुत इम्पोर्टेंट तीन नदियां सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों इम्पोर्टेंट नदी है। ये तीनों नदियां जो है अपने सालों भर बर्फ पिघलती रहती है और उसके द्वारा जो है पूरे भारत की इन नदियों में जो है सालों भर पानी जो है आपको देखने को मिलेगा।
चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लो कि भारत हिमालय पर्वत की सुंदरता जो ब्यूटी है वो अपने आप में जो है अद्भुत है। इस नजारा को देखने के लिए जैसे कश्मीर वगैरह का एरिया जो है जिसको दुनिया का स्वर्ग भी मानते हैं, तो ये सब उसी क्षेत्र का जो है देन है। आप चले जाओ पूरा आप पूरे पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओ कि तो उसकी एक अपनी ब्यूटी है। ये चौथा पॉइंट आप इसको इसका जो इम्पोर्टेंट है। पांचवा पॉइंट जो इसका इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है ना आप बेशुमार प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, जड़ी बूटियों का भंडार इसमें देखने को मिलेगा। तो आप जो है इस उसकी जड़ी बूटियों को कलेक्शन करके जो बहुत सारी मेडिसिन जो है ना तैयार की जा रही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इसका हिमालय पर्वत का जो है। हिमालय पर्वत के बारे में आप देखोगे इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट जो आप नोट डाउन कर लो इसके जो इम्पोर्टेंट है कि ऊंचाई के दृष्टिकोण से हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली जो वृक्ष है जो पेड़ है वो भी विभिन्न प्रकार के देवदार चीड़ नट इत्यादि जो है इम्पोर्टेंट पेड़ पौधे जो है फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो है हिमालय पहाड़ का जो है इम्पोर्टेंट ब्यूटी है जो सबसे ये साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो है पूरब की तरफ में जो ना नेक्स्ट पॉइंट में हिमालय पर्वत में चाय का बगान जो है आसाम के क्षेत्र में जो मिलेगा आसाम हिमालय में आपको देखने को मिलेगा चाय का। क्योंकि चाय का पौधा के बारे में आप जानते हो कि उसको प्लेन एरिया में हम लोग नहीं लगा सकते हैं, उसके जगह पर अनडोलेटिंग लैंड का होना अनिवार्य है। और ये हिमालय पहाड़ में जो है इसके कॉफी का भी जो है साथ साथ आप पश्चिम के तरफ चले जाओ तो वहां पर लद्दाख और उसके बाद आपका कश्मीर में फलों का जो है भंडार देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी मात्रा में जो है फल आपको सेब अंगूर वगैरह जो है उस क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे, एप्पल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और साथ नेक्स्ट पॉइंट जो है कि हिमालय पर्वत का एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये दुश्मनों से यानी शुरू के दिनों ना आज ना हम लोग टेक्निकल वार कर रहे हैं लेकिन शुरू के दिनों में आप इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उसको दुश्मनों से कोई खतरा नहीं था क्योंकि इतनी घाटियों को इतनी पहाड़ को पार करके कौन वहां तक जाएगा, इसलिए वहां के लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते थे। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हिमालय पहाड़ में जो भी लोग रहने वाले हैं वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बचा करके रखे हैं। ये इसकी उनकी अपनी संस्कृति जो है आज भी एज इट इज है, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ लोगों ने नहीं कर पाया क्योंकि वहां दूसरे लोगों का के साथ वो समावेश नहीं कर सके, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के साथ वो लोग जिंदा रहते हैं वहां पर। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हिमालय पर्वत में अभी रिसर्च चल रहा है क्योंकि आप जानते हो कि हिमालय पहाड़ का जो निर्माण हुआ है ये ज्यूसिंग लाइन था, यानी पहले ये थेटी सागर था और बाद में जो है इसमें सेडिमेंटेशन हुआ, तो इसलिए यहाँ पर खनिज पदार्थ का भी अपार भंडार होने की जो है संभावनाएं हैं। ये हिमालय पहाड़ का जो है इम्पोर्टेंट प्रकृति है। थैंक यू।